इस दौर में, चूंकि हम लोग खेती और किसानी करने वाले लोग हैं, हम लोगों के बच्चे ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। हमारे पास अगर सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो हमारे बच्चे। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हमारी खेती और किसानी पर और हमारे बच्चों पर। हमारी खेती बुरी तरह से बर्बाद हो गई। खेतियों में आज खेती करने में आज जितनी मुझे लग रहा है लागत लग रही है, मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे फार्म हाउस पर तंबाकू की फसल कई छोटे छोटे किसानों ने मिलकर की, और जब मैं मुझसे मिलने गए, तंबाकू की जब बिक्री हुई तो वो मेरे हाथ जोड़ने लगे और हाथ जोड़ के कहने लगे कि डॉक्टर साहब, इतने की तंबाकू हुई, इतना हमारा आधा हुआ और उससे ज्यादा इसमें लागत लग गई। मतलब 6 महीना काम करने के बावजूद जितना पैसा लगाया वो पैसा हमें नहीं मिला। दूसरी बात, हमारे बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं वो सबसे बड़ी अमूल्य नदी है, जिन बच्चों के लिए हम दिन रात मेहनत करके, दिन रात अपने खेतों में काम करके बच्चों को पढ़ाने का सपना देखते हैं, वो सपना आज खत्म हो गया। आज लगातार कोरोना के नाम पर 2 साल से तो वैसे ही विद्यालय बंद रहे, और विद्यालय बंद होने के बाद हाई स्कूल और इंटर वाले बच्चों को, जिनको बगैर पढ़े सर्टिफिकेट दे दिया गया, उनके लिए कोई परीक्षा नहीं की गई, कराई गई, वो बच्चे आज दिल्ली और महानगरों में जब नौकरियों के लिए जाते हैं तो उनसे जब पूछा जाता है क्या आपने कोई परीक्षा दी, जब परीक्षा ही नहीं दी तो उनको नॉलेज किस बात की होगी। ऐसे हालात क्रिएट कर दिए गए, ऊपर से शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई कि अब शिक्षा तो हमारा एक सपना मात्र दूर रहा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।